हेलो नमस्कार आदाब मेरा नाम है ओमवेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमें पी विद्या चैनल नंबर टेन पर आज का सबक हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई सवालात हैं तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन या आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ेंगे वो जमात दस का उर्दू ज़बान का सबक होगा उनवान है रुबाई मीर अनीस और इस कार्यक्रम में आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं माहिर प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अंसारी भाषा शिक्षा विभाग एन न्यू डेली आदाब सर जी शुक्रिया बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका इस कार्यक्रम में शुक्रिया आज के सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि जो आज का हमारा वान है रुबाई मीर अनीस इसके बारे में और मीर अनीस के बारे में आप अगर बहुत बताना चाहें हमारे बच्चों को हमारे लर्नर्स को ज़रूर देखिए उमेश जी रुबाई जो है वो जिस तरह से उर्दू शायरी में बहुत सारी अलग अलग विधाएँ हैं अशनाफ़ हैं उसी तरह से एक सिंफ है उर्दू शायरी की और ये ऐसी सिंफ़ है जो बहुत मुश्किल भी कही जाती है और बहुत अहम सिंफ है अहम इस मामलों में है कि इसमें चार जो मिसरे होते हैं जिसको आप पंक्तियाँ कह सकते हैं जो चार मिसरे होते हैं उन चार मिसरों की एक छोटी सी नज़म होती है और वो चार मिसरे होने के साथ ही साथ जो है उसका जो स्ट्रक्चर है जिसको हम हयत कहते हैं और जो आहंग है जिसमें वजन अज़ान अरकान वगैरह वो जो आहंग है उसकी इनफरादियत होती है बिल्कुल इसीलिए जो है ये जो सिंफ है रुबाई की वो जो दूसरी असनाफ़ हैं चाहे वो कता हो चाहे और दूसरी शेरी अशनाफ़ है उसमें ये मुमताज़ हैसियत रखती है और मुश्किल इसलिए है कि चार मिसरों में ही पूरा की पूरा मामला पूरा जहान जो है आ, वो आ, इसके अंदर समाया जाता है चाहे रज़म का मामला हो चाहे भजन का हो चाहे इश्को आशिकी का मामला हो चाहे फ़लसफ़ा हो अखलाक हो तसव्वुफ़ का मसला का मसला हो वो पूरा की पूरा मामला इन चार मिस्रों के अंदर ही पेश किया जाएगा ये तयशुदा है तो इसलिए ये मुश्किल भी है और बहुत ही अहम भी सिंफ कही जाती है दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो अगर हयात की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक स्ट्रक्चर हर या अपना एक ढांचा होता है उसका एक अपना एक खाका होता है जिसको हम हयात कहते हैं तो अगर हयात की अगर हम बात करें तो इसके पहले मिसरे में दूसरे मिसरे में और चौथे मिसरे में ये जो मिसरे तीन होते हैं ती, तीसरा मिसरा छोड़ दीजिए तो पहला दूसरा और जो चौथा मिसरा होता है वो हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है यानी उसमें काफ़िए का लफ्ज़ ज़रूर आएगा काफ़िया यानी हम सौत अल्फाज हो सकते हैं जिसका तलफुज एक सा होगा तो वो अलफ़ाज यहाँ पे लाए जाते हैं और रदीफ़ वो होती है जो काफ़िए के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक ही होती है वो बदलती नहीं है अगर आप मिसाल को सामने रखें तो हमारे सामने एक मिसाल है अकबर अलाबादी की एक रुबाई है चार आ, मिसरे हैं इसमें आप देख रहे हैं हर एक से सुना नया फ़साना हमने देखा दुनिया में एक ज़माना हमने अव्वल ये था कि वाकफियत पे था नाज आखिर ये खुला कि कुछ न जाना हमने यानी पहली पंक्ति में या पहले मिसरे में फसाना हमने दूसरे मिसरे में जमाना हमने और चौथे मिसरे में आया है जाना हमने तो फ़साना ज़माना जाना ये काफ़िए के अल्फाज हैं हम सौत हैं उनको अब पढ़िए फ़साना ज़माना जाना तो एक ही रिद्म में आ रहा है तो ये एक इसमें। और हमने जो है वो रदीफ है जो काफ़िए के बाद आई तीसरे मिसरे में इसकी पाबंदी नहीं की गई है काफ़िए और रदीफ की यानी हर एक से हर आदमी से हमने जो है एक नया फसाना हमने सुन रखा है एक नई बात सुन रखी है इस क़दर मालूम दुनिया में है इस कदर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बारे में हम हमें कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलती है लोग हमें बताते रहते हैं देखा दुनिया में एक ज़माना हमने यानी एक लंबे अरसे तक जो है हमने दुनिया में ये सब कुछ देखा शुरू में तो हमें ये लगता था अव्वल ये था कि वाकफियत पे था नाज़ नाज माने कह सकते हैं जिसको हमारे अपने ऊपर गुरूर हो जी है ना अपने ऊपर फख्र हो तो शुरू में अव्वल ये था शुरू में तो हमें ये लगता था कि जो हमें वाकफियत मिली है या जो हमने कुछ मालूम किया है जो, जिसका इल्म हमारे पास मौजूद है वो उस पर हमें फ़ख्र होता था यानी हमें बहुत कुछ मालूम है लेकिन आखिर ये खुला कि कुछ ना जानना हमने आखिर में जब मालूम होता है इतनी ज़्यादा मालूम यहाँ पर मौजूद है कि आखिर में जब हम बढ़ते हैं तो हमें आखिर में यह एहसास होता है कि हमें तो अभी कुछ भी नहीं मालूम है बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें मालूम करना है तो ये वो जो एक फ़लसफा ज़िंदगी का है उसको बयान किया है लेकिन आप देखिए कि रुबाई में जो वो शरात हैं वो सब मौजूद हैं कि इसमें चार मिसरे हैं चार मिसरों की नज़ है रदीफ़ काफ़िया पहले दूसरे और तीसरे मिसरे में लाया गया है वजन के हिसाब से बात करें तो उसमें भी वो तमाम चीज़ें तीसरी और जो सबसे हम जब इतनी सारी पाबंदियाँ होती हैं तो अल्फाज का जो इंतखा करना होता है वो बेहद अहम होता है मुश्किल तो ज़रूर होता है क्योंकि उस तरह के अल्फाज लाना इतने उसमें पैरामीटर के अंदर इतनी शरात में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो और हमें कुदरत इक, आ, हासिल हो उन अल्फाज को इस्तेमाल करने की क्योंकि अल्फाज का इस्तेमाल कहाँ पे किस लफ्ज़ का करना है वो अगर हम नहीं जानते तो हम इस तरह की चीज़ों पर जो इस तरह का कलाम नहीं कह सकते तो ये एक मिसाल है यहाँ पर इसके हवाले से तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं चौथा मिसरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा जानदार होता है यानी जो आखिरी का मिसरा है जिसको आपने देखा अभी पूरी रुबाई की रूह होता है यानी जिसमें आकर के पूरा नतीजा जो है वो निकल कर आखिर ये खुला कि कुछ ना जाना हमने आखिरी मिसरा शुरुआत की तीन चीज़ें तो बता रहे हैं आखिर में हमने मामला साफ कर दिया कि कहना क्या है हमें तो ये इस आ, आ, की, आ, जो है रुबाई की खूबियाँ हैं और इनकी शराइ जो है अब इसमें काफियों की पाबंदी और बहर ये दो पाबंदियाँ होती हैं बहर यानी जिसमें वजन होता है आहंग होता है और जो दूसरी चीज़ें हैं जिसको आप बड़ी जमातों में जब आप जाएँगे और इसकी तख्ती करेंगे तब तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी ये जो बहर क्या होती है बहर की सूरतें क्या होती हैं तो वो जो पाबंदी होती है वो पूरी की जाती हैं इसमें तभी वो रुबाई होती है बिल्कुल सर इसी तरह की एक और कत भी होता है यहाँ पर जिक्र करते चलो कता अलग एक सिंप है लेकिन कता में ये पाबंदी नहीं होती है वहाँ पे हर दूसरा मिसरा जो है वो हम काफिया हो सकते हैं और चार मिसरे तो होते ही हैं लेकिन वो ज्यादा भी हो सकते हैं यानी चार से ज्यादा पहुँच सकते कम से कम चार मिसरे तो होंगे में जी। तो इस तरह की ये उसमें रुबाई और कते में ये फर्क है बिल्कुल उर्दू जबान की बहुत बारीकियाँ जो हैं उनके विषय में आपने बताया जानकारी साझा की यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि आज का जो उनवान है जैसे रुबाई मीर अनीस तो उर्दू जबान में और शेर व शायरी में जो कद रहा है मीरनीस का उसके विषय में जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताएं है। जी मीरनीस उर्दू शायरी के बहुत ही बड़े शायर तस्लीम किए जाते हैं और उनकी पैदा उनका जो ज़माना है 1802 से लेकर के 1874 तक यानी 1802 में उनकी पैदाइश हुई है फैजाबाद में उनकी पैदाइश हुई और चूँकि ख़ानदान के सभी लोग आ, अदब में एक अहम मकाम रखते थे उनके परदादा गुलाम हुसैन जहाक थे बहुत बड़े शायर थे उसी तरह से वालिद मीर हसन एक बहुत बड़ा नाम है उर्दू शायरी का तो ये रहे हैं तो अनीस की तरबियत जो है वो इस माहौल में हुई जहाँ पर घर पर ये तमाम शायरी का माहौल था इस माहौल में हुई उनका अनीस का मताल बहुत था बहुत ज़्यादा वसी मा था अरबी और फारसी जो उस पर तो उनकी कुदरत थी ही और उसके साथ ही साथ बहुत सारे थे वो उनसे वाकफियत रखते थे यानी अगर हम उनकी शायरी के वो पहलू जब उठाकर देखते हैं तो एक ना एक किसी न किसी इल्म का कोई नुक्ता जो है वो हमें वहाँ पर मिलता है जो जिसको समझने के लिए फिर हमें लगत की या फ़रहंग की ज़रूरत पेश आती है तो एक कलाम शायर थे यानी बहुत अशार आपने कहे हैं बहुत सारे मरसिए कहे हैं आपने रुबाई कही हैं उसी तरह गज़लें भी कही हैं और भी अशनाफ़ में मरसियों की एक ख़ासी तादाद इनकी है और मरसिया गो शायर की हैसियत से आपकी शिनाख्त भी है तो एक बड़ा नाम जो मरसिया गोशोरा का है उसमें मीरिस का सबसे बड़ा नाम है तो लेकिन रुबाई भी आपने बड़ी जो है Uh, कहीं बहुत सारी रुबायाँ कहीं हैं जबान पर चूँकि बेपनाह कुदरती इसलिए लफ्ज़ों का जो इंतखा जिसकी मैं बात कर रहा था कि लफ्ज़ों का इंतख्य करना और उसका इस्तेमाल करना ये फ़न जो है अगर आता है तो आप बेहतर जो है तखलीक कर सकते हैं फन पारे की तो मी, मीर अनीस के साथ ये सबसे बड़ी ख़ूबी थी कि वो अल्फ़ाज का इंतबाब इस तरह से करते थे और उनका इस्तेमाल करते थे कि जिसका कोई मिसाल जिसकी कोई और मिसाल मिलती नहीं है उस अहद के और शायरों में तो ये सबसे बड़ी ख़ूबियाँ मीर अनीस की तो उन्होंने बहुत सारी बहुत सारे मरसिए कहे हैं जो ख़ासी तादाद है मसनवी भी कही है रुबाई गज़लें वगैरह हर सिंफ में उन्होंने तो दो हैसियत से जो है हम उनको ज़्यादा जानते हैं मरसिया गो शायर की हैसियत से और फिर रुबाई गो शायर की हैसियत से तो रुबाई सर... भी आपने कहीं है यहाँ सबक जी. में आपके जो रुबायाँ शामिल हैं उसमें दो रुबाइयाँ जो हैं मीर अनीस की जो हैं वो यहाँ पर मंतख की हैं आपके सबक के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली जो रुबाई है वो ये है कि गुलशन में फिरूँ गुलशन में फिरूँ के के सैर सहरा देखूं, गुलशन में फिरूं के माफ कीजिएगा जी सर तो जैसा कि आप हमें यहाँ बता रहे थे कि जो एक ऊंचा कद रहा है मीर अनीस का शेर व शायरी में और उनकी रुबाई की क्या खूबियाँ रही हैं जैसा कि इस सबक में भी है जी जी तो ये रुबाई इस तरह से है गुलशन में फिरूं के सैर सहरा देखूं या मादनों कोह दश्तों दरिया देखूं हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे हैरा हूं कि दो आँखों से क्या क्या देखूं देखिए गुलशन में फिरूं गुलशन यानी बाग होता है हरियाली जहाँ होगी पेड़ पौधे फूल होंगे तो वो गुलशन कहलाएगा कि अब चाहे मैं गुलशन में फिरूँ या सैर सहरा देखो सहरा होता है रेगिस्तान जिसको आप कहते हैं बयाबान जो होता है तो उसकी सैर करूँ वो उसकी सैर का जो लुत्फ है वो हासिल करूँ या मादनो कोह मादन वो होता है जहाँ मतलब खोद कर धाते निकाली जाती हैं जिसको आप कान कहते हैं कानों से निकाला जाता है तो वो जो कानें होती हैं लोहे की या कोयले की या और जवाहरात की तो वो मादनो कोह को माने पहाड़ दश्त दश्त माने होता है जंगल दरिया जिसमें पानी बह रहा हो नदी जिसको आप कह सकते हैं तो ये सारे इलाके देख ले चाहे मैं ज़मीन के नीचे देखूं यानी मादन देखूं चाहे को पहाड़ों को देखूं चाहे दश्त यानी जंगल को देखूं या फिर सैराब इलाका या दरिया को देखूं हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे जा माने जगह हर जगह तेरी कुदरत के जो हैं वो जलवे मौजूद हैं लाखों जलवे नजर आते हैं एक एक चीज़ में तेरा जलवा हैरान है हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूं और मुझे हैरत ये होती है कि मुझे तो दो ही आँखें मिली हुई हैं दो आँखें उन दो आँखों से मैं क्या क्या देखूं यानी जितना कुछ इस दुनिया में मौजूद है जो कुछ भी तूने यानी मालिक ने जो हमें दिया है क़ुदरत ने जो हमें अता किया है वो इतना ज़्यादा है कि हम दो आँखों से क्या क्या देखूँ ये मुझे हैरान कर रहा है यानी जितना देख सकता हूँ उसमें ही मुझे हैरानी हो रही है तो ये जो ज़िंदगी की ज़माने की जो हकीकत है या जो ज़माने के बारे में बयान किया गया है वो इस रुबाई में पेश किया गया है गुलशन में फिरूं के सहर सहरा देखूं या मादनों को दशत दरिया देखूं हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे हैरा हूं कि दो आँखों से क्या क्या देखूं तो ये है इसके अलावा एक और रुपाई है उसको भी इस वक्त पढ़ते चलते हैं साथ में रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी फरूत, को जा देता है करते हैं तही सना आप अपनी जो फ़ के खाली है सदा देता है यानी रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है रुतबा यानी जो इज़्ज़त वक़ार जो मकाम जो है जो दर्जा जो हैसियत दुनिया में किस से मिलती है मालिक से मिलती है खुदा से मिलती है अल्लाह से मिलती है तो जो उसने मुझे दुनिया में अता की है वो दिल में फरोतनी को जगह देता है फ़रोतनी माने होते हैं कि आजजी या इंसारी या नर्म रवि जो होती है तो वो जो है वो उसका दिल जो है उस तरह से होता है यानी दिल में उतनी जगह बच जाती है। जो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल होती हैं वो उतना ही उसके पास आजजी और इंसारी होती है ये एक मफरूज़ा है ये एक हकीकत है लेकिन करते हैं तही मगज़ सना आप अपनी सना माने तारीफ मगज़ माने होता है आपका जो आ, दिमाग जिसको आप कहेंगे तो तही मगज यानी ख़ाली दिमाग कह लीजिए या खाली जिसके पास आ, कोई जहन ना हो कुछ इस तरह का जो ख़ाली दिमाग अपनी सना आप करते हैं यानी अपनी तारीफ आप करते हैं वो ऐसे हैं जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है उनकी हैसियत बिल्कुल वैसी होती है जिस तरह से जो ज़र्फ़ माने बर्तन के होते हैं बर्तन हो सकता है या आपका अपना आ, वसी जो हौसला होता है हिम्मत होती है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो जो ज़र्फ़ के खाली है जिस बर्तन जिस तरह से खाली होता है या बिल्कुल भरा हुआ नहीं होता है तो वो बर्तन ज़रा सी भी आहट होती है ज़रा सी भी चोट लगती है तो वो सदा देता है वो आवाज़ करने लगता है तो उन लोगों की हैसियत वैसे ही है जो ख़ाली दिमाग होते हैं और अपनी तारीफ खुद करते हैं या चाहते हैं कि दूसरे उनकी तारीफ़ करें तो उनकी हैसियत वैसी होती है जैसे कि उस बर्तन की है जो अंदर से खाली है और थोड़ी सी भी आहट या चोट या थोड़ी सी हरकत होने पर भी वो आवाज़ देने लगता है यानी सदा देता है लेकिन जिसको दुनिया में ऊपर वाला देता है भगवान देता है या जो कुछ अना कर अता किया जाता है उसको उसका आप देखिए तो उसका दिल उसका जहन जो है वो वसी होगा कुशादा होगा उसमें आजज़ी होगी इंकसारी होगी नरमी होगी ये तमाम चीज़ें होंगी तो ये जो फितरत है इंसान की उसको लेकर के या उस बुनियाद को बुनियादी नुक्ते को जो है वो इसमें पेश किया गया है तो ये दोनों मसलियाँ सॉरी रुबाई जो है वो इस तरह की हैं जो अलग अलग पहलुओं पे पहले में हमें एक अलग फ़लसफ़ा है दूसरे में ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू जो है वो बयान किया गया और किस खूबसूरती के साथ बयान किया गया अब अगर इसके रदीफ़ काफ़िए की अगर आप बात करते हैं तो इसमें खुदा जा सदा खुदा देता है जा देता है सदा देता है तो खुदा जा और सदा ये तीन अल्फाज आए हैं जो काफ़िए के अलफा देता है रदीफ़ है उसी तरह से पिछली वाली जो रुबाई है उसमें भी यही है कि सैर सहरा देखूं दरिया देखूं क्या क्या देखूं तो सहरा दरिया और क्या एक ही हमसौत अल्फाज है उसी वजन में आ रहे हैं तो ये काफ़ी के अल्फाज हैं तो ये दोनों रुबाइयाँ हैं जो इन उसमें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके जरिए ज़बान के लिए या जबान के इस्तेमाल के बारे में सीखी जा सकती हैं समझी जा सकती है जैसे एक मिस्रा आपके सामने है या मादनो कोहो दश्तो दरिया मादन एक लफ्ज़ है कोह एक लफ्ज है दश्त एक है दरिया चार अल्फाज हैं उन चारों अल्फाज को ओ की आवाज़ जो आ रही है यानी एक साथ आप पढ़ रहे हैं वाओ लफ्ज़ के ज़रिए हर्फ के से उसको ज़ाहिर किया तो ये जो वाव का इस्तेमाल है ये मिलाने का काम करता है दो अल्फाज को तो ये जो जोड़ने का काम कर रहा है इसको हम हरूफ अतफ़ कहते हैं इसी तरह और भी बहुत सारी तरकीब होती हैं जिसके ज़रिए हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल सर है। यहाँ पे जैसे आपने बहुत ही जानकारियाँ साझा की उर्दू ज़बान की बारिकियाँ साझा की जो लिखने पढ़ने को सीख रहे हैं बच्चे उनके लिए जो ज़रूरी जानकारियाँ थी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब रुबायाँ बच्चे पढ़ते हैं या उर्दू ज़बान पढ़ते हैं और उसके माध्यम से चंद लाइनों में कैसे जो है जीवन का एक पूरा फ़लसफ़ा भी बाँटा जाता है अलग अलग मीर अनीस जैसे ऊँचे कद के लोगों को जब पढ़ा जाता है तो जो लोग पढ़ा रहे हैं अलग अलग जमात में इन चीज़ों के बारे में अपने पढ़ाने की शैली में वो क्या बदलाव क्या तरीका अपना सकते हैं जिससे बेहतर समझ जो है बच्चों के मन में बने देखिए कई सवाल इसमें आपने एक साथ जोड़ दिए हैं इतने कम वक्त में सबका जवाब तो मुमकिन नहीं है दे पाना आ, लेकिन ये है कि हम आ, रुबाई को पढ़ते हैं या आ, कोई और शायरी की सिंफ़ है उसको पढ़ते हैं मकसद हमारा ये होता है कि हम अपनी बात को अपने ख्याल को अपने जज्बात को किस अंदाज से पेश करते हैं जी तो ये जो विधाएँ हैं जिनको आप असनाफ़ कहते हैं ये वो तरीक़े हैं जिसमें जो है अता करने के अलग अलग तरीक़े शामिल होते हैं अगर आप नज़म कह रहे हैं तो उसका एक अलग मिजाज है रुबाई का अलग है कता अलग है मसनवी या दूसरे जो असनाफ़ हैं उन सब का अपना एक दायरा है तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें इन असनाफ़ से वाकफियत होनी चाहिए कि किस सिन की क्या ख़ूबी है किस किसिनफ़ के क्या क्या आदाब है रुबाई की ही मिसाल अगर आप लें तो रुबाई को आप पहले ये समझ लीजिए कि रुबाई के असूल क्या हैं। रुबाई के जो उसूल हैं जो उसके तकाज़े हैं जो पाबंदियाँ हैं तो उसको लिखने की जाहिर है चार मिस्रों की एक नज़्म है बहुत छोटी नज़म है होगी और उसमें भी आपके साथ ये शराय मौजूद है कि रदीफ़ काफिया होगा चार के पहला दूसरा चौथा जो होगा वो होगा तीसरा जो है वो नहीं होगा इस तरह का तीसरा दरमियान का काम करेगा जो ऊपर के जो दो बातें कही गई हैं वो आखिरी वाले से जोड़ने का काम करते हैं तो वो चीज़ आएगी और चौथा मिसरा इतना मजबूत होगा जिसमें कि सारा के सारा हासिल होगा तो आप चाहे मीर अनीस की हो, चाहे जोश की रुबाई चाहे फ़िराक़ की रुबाई पढ़िए लेकिन इनका पहले मतलब ये कीजिए कि इन्होंने अपने ख्याल को किस तरह से पेश किया है बिल्कुल किस अंदाज़ से पेश किया है कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए अब अगर आप ख़ुद कोशिश करना चाहें तो हम पहले ये तय कर लें कि हमें जो है क्या ख्याल पेश करना है यानी हम किस मौजू पर बात करना चाहते हैं कौन सा जज्बा है जिसको हम चाहते हैं कि दूसरों के सामने हम इसको पेश करें तो उस जज्बे उस ख्याल को आप पहले कलम बंद कीजिए उसको अपनी गिरफ्त में लीजिए कि हमें इस मौजू पर और उससे जुड़ी हुई बातें यानी उसमें क्या चीज़ आप देंगे तो वो दो एक निकात जो हैं वो इसको आप पहले तहरीर कर लीजिए और फिर तहरीर करने के बाद आप ये देखिए कि इन निकात को आप किन अलफाज के ज़रिए पेश करेंगे यानी लफ्ज का इंतब भी बेहद ज़रूरी है बिल्कुल तो वो जो लफ्ज़ का इंतबाब है वो आप कर लें और उसके बाद फिर इस पर जोर आजमाई कीजिए कि आप ये चार मिसरे किस तरह से कह जाहिर है शुरू में आप आ, आ, कोना मश्क नहीं हो सकते पुख्ता शायरी नहीं कर सकते कुछ सकते। इस तरह की आ, जो है तुकबंदी करेंगे आप लेकिन फिर उसके बाद उस्ताद को दिखाइए या अपने से किसी बड़े को दिखाइए एक ज़माना हमेशा से रहा है कि हर शायर जो है वो असलाह लेता रहा है बड़े शायरों से तो आप भी अपने किसी उस्ताद से या किसी साथी के साथ उस पर वो कीजिए और उसको बार बार लिखिए कोशिश कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आप एक अच्छी सिंफ आ, ए, ए, एक अच्छी तहरीर या तखलीक आपकी सामने जी तो अपने उस्ताद के साथ बैठ कर आप अपनी उर्दू जबान पर और मेहनत करके बेहतर शायर भी बन सकते हैं और आज हमारे साथ इस आ, सेशन में जुड़ के सर जबान उर्दू जबान की तमाम जानकारियाँ आपने साझा की आपका बहुत बहुत इस्तबाल शुक्रिया जी बिफोर वी वाइंड अप द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू टेल कि हमारे जो आने वाले सेशंस हैं उनमें क्या क्या आप पढ़ सकते हैं तो चार बजे से हमारा सेशन है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिसमें आप जान सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया के बारे में उसके बाद पाँच बजे हमारा सहयोग का कार्यक्रम है जिसमें वी विल स्टडी बिल्डिंग अ पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट एंड आफ्टर दैट एट फाइव थर्टी देर इज़ अ वेरी स्पेशल सेशन इन विच यू कैन लर्न अबाउट स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट सो विद दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे इस बात की इजाज़त दें कि इस सेशन को हम वाइंड अप करें आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत इस्तबाल शुक्रिया